नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली बार चौटाला परिवार का सुपड़ा साफ होता नजर आया। चोपड़ा परिवार से जुड़ी इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक की जनता पार्टी खाता खोलने को लेकर भी जूझती नजर आई। परिवार के दो दिग्गज दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला अपनी अपनी सीट बुरी तरह हार गए। तो भाई, अब आपको बताते हैं कि आखिर चौटाला परिवार से कौन कौन उम्मीदवार जो है वो खड़ा हुआ था और कौन कौन अपनी सीट हारा है। दरअसल दुष्यंत चौटाला हिसार के उचाना कलहा से चुनाव लड़ रहे और दुष्यंत चौटाला रेस से बाहर। दुष्यंत यहां से छठवें नंबर पर चल रहे और दुष्यंत के लिए यहां जमानत बचाना भी काफी मुश्किल देखा जा रहा है। अभय चौटाला की बात करें तो सिरसा के ऐलानाबाद से वो चुनाव लड़ रहे हैं और अभय चौटाला चुनाव हार गए। अभय इनेलो की तरफ से मुख्यमंत्री पद को लेकर भी दावेदार हैं और अभय की सीट पर कांग्रेस ने चुनाव जीता है। आगे बात आदित्य चौटाला की करेंगे, जहां पर डबा वाली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अभय चौटाला के बेटे आदित्य कुछ सौ वोटों के अंतर से आगे पीछे चल रहे हैं। ये सीट एक वक्त में चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता था और कांग्रेस यहां से कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही। आगे बात दिग्विजय चौटाला की जाए तो दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय डबा वाली सीट से मैदान में है और यहां से दिग्विजय तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। दिग्विजय जेजेपी के बड़े नेता भी माने जाते हैं। साथ ही साथ अर्जुन चौटाला की बात करें तो अभय चौटाला के वो बेटे हैं और अर्जुन चौटाला रानिया सीट से चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ उनके दादा रणजीत चौटाला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और रणजीत इस सीट से तीसरे नंबर पर रहे। तो वहीं पर अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जमीन के अंदर क्या चौटाला परिवार की चौधराहट खिस्ती नजर आ रही है। दरअसल 1967 में हरियाणा को अलग कर पहली बार चुनाव कराया गया और तब हरियाणा की सियासत में चौटाला परिवार काफी अहम और काफी दबदबा रखता था। उस वक्त चौधरी देवीलाल प्रमुख भूमिका में थे और देवीलाल ने 1967 से लेकर 1989 तक हरियाणा की राजनीति की। वे इस दौर के हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे और दो बार उनको मुख्यमंत्री से नवाजा गया। आपको बताएं कि 1989 में भारत की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देवीलाल ने सीएम की कुर्सी अपने बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी और उस वक्त उनके छोटे बेटे रणजीत चौटाला भी सीएम पद के दावेदार माने जा रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला को चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और 2005 में चौटाला हार गए। तब से सत्ता की चौटाला परिवार सीधे तौर पर सत्ता में नहीं आ पाई। 2018 से लेकर अब तक यानी कि चौटाला परिवार का विभाजन हुआ है और दादा ओम प्रकाश और उनके छोटे बेटे अभय चौटाला के खिलाफ दुष्यंत चौटाला ने बगावत भी की। दुष्यंत ने अपने पिता अजय सिंह चौटाला के साथ खुद की पार्टी बनाई और 2019 के चुनाव में जेजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली और उसकी भूमिका सरकार में किंग मेकर की भी रही। इस दौरान दोनों ही पार्टियां अलग अलग गठबंधन के साथ मैदान में रही। हालांकि इनेलो पहले की तरह एक सीट पर आगे चल रही है और वहीं पर जेजेपी शून्य की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही, जिसे अब देखना होगा कि चौटाला परिवार हरियाणा की सियासत के अंदर कितना सक्रिय रह पाता है और किस तरह से अपनी वापसी करता हुआ नजर आता है। क्योंकि सीटों के लिहाज से अब चौटाला परिवार हरियाणा में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ।